एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से हल्की सी छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना और हल्का सा लोसेट होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 5 to 6% इनके द्वारा लिए गए डिसीज़न गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट ठीक होता है। इस वजह से आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लो सेट है, शब्दों का अभाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और, पूरा का पूरा मामला आपके ही खिलाफ चला जाता है। सामने वाला आपको गलत समझ लेता है। जुपिटर की फिंगर यदि झुकती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है। अंगूठा अच्छा है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका बैक साइड टिल्टेड लग रहा है। दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी खासी होगी क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाला पार्ट जो बाहर की तरफ देखता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है, ना तो जुपिटर से ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। लाइफलाइन, माफ कीजिएगा, माइंड लाइन आपकी एक तो बंधन योग से होके चल रही है। बंधन योग जब तक हाथ में एक्टिवेट रहता है ये आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम, जीवन को सही दिशा नहीं मिल पाती है। अगर बंधन योग किसी बिजनेस वाली फैमिली के लोगों के हाथ में है तो फिर तो ठीक है, उनको उतनी समस्या नहीं होती है, लेकिन एक मध्य वर्गीय फैमिली के लिए या एक लोअर क्लास फैमिली के लिए ये अच्छा नहीं होता है। ये आपको आर्थिक संकट देता है। माइंड लाइन आपकी 25 से बंधन योग से मुक्त होते हुए दिखाई दे रही है, और उसके बाद ये इनिशिएट हुआ है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। आप सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस नहीं बनते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता है, कॉन्सेंट्रेशन का अभाव पाया जाता है। अपनी क्षमताओं का सही से आकलन ना कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं गलत चुनते हैं। इनिशियल लाइफ युवावस्था संघर्ष में बीतता है, सफलता देरी से मिलती है। ऐसी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, बट ये वेब फॉर्म में है। सोच में बदलाव आते रहता है, दिमाग एक पॉइंट पर टिक के नहीं रह पाता है। माइंड लाइन जब इतनी बड़ी होती है, ऐसे लोग समझदार होते हैं, जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डिप नॉलेज इनके पास होता है। इसका बेनिफिट आपको 25 के बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं। और सबसे अधिक ये आपको बेनिफिट देगा 35 के बाद से। एंड ज्ञानी होते हैं और हल्का सा तानाशाही रवैया भी ये देता है। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है और गोलाई में विनस माउंट को घेरती हुई दिख रही है। गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्रों में ये लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और खास करके इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं। इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं, कहीं ना कहीं फॉरेन सेटलमेंट की तरफ भी ये इशारा कर रहा है। एंड बिजनेस ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। जुपिटर का माउंट लक लाइन आपकी मून माउंट से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग उतनी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, रिलेटिव जो होते हैं। और इस तरह से जब आपकी लक लाइन से नेपच्यून से कोई भी लाइन आकर के अटैच्ड होती है, ऐसे लोग अति बुद्धिमान होते हैं, अपनी बुद्धि के बल पर समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। जुपिटर का माउंट आपका शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है राहु की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं या जो आपके बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनका बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि खास करके आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें बताते नहीं हैं, इस बात का एहसास उन्हें होने नहीं देते। तो पहली रेमेडी यही होती है कि जो भी कीजिए शादी के बाद अपने लाइफ पार्टनर के लिए, उन्हें बताया कीजिएगा। हॉटलाइन आपकी थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है।
ये पर्वतों की स्पेस को कम कर देती है। अब माउंट के स्पेस में कमी आ गई है तो उसके गुणों में भी कमी आ गई है, तो संघर्ष ही करवाएगा, सफलता देरी से मिलती है। ऐसे लोग अपनी मन की जो बात होती है, जो भावनाएं होती हैं, वो किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। सटन का माउंट यहाँ से हल्का सा भी दब जाता है, ऐसे लोगों को जीवन में लोन की समस्या रहती है। संघर्ष है बट सन माउंट आपका बढ़िया है। सनलाइन जब आपकी लकलाइन से निकलती है, ऐसे लोगों को दूसरों से कम मेहनत में बड़ी सफलता मिल जाती है। आपके पूर्वार्ध के कर्मों का फल आपको मिलता है जब आपकी लकलाइन आपके लाइफ लाइन माफ कीजिएगा जब आपकी सनलाइन आपकी लकलाइन से निकलती है। आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम अच्छे से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉरेन से कनेक्शन बन रहा है, विदेश आना जाना आपका लगा रहेगा, फॉरेन के कई ट्रिप आपके बनेंगे, बड़े बड़े लोग आपके संपर्क में आएंगे। आपकी बातों को सुनना, आपकी आइडिया दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो करना, एक तरह से वो लोग आपके फॉलोअर होंगे। एक डॉक्टर के हाथ में जो लाइंस होनी चाहिए वो लाइन बिल्कुल है आपके हाथ में। अब दूसरों की समस्याओं को बेहतरीन ढंग से, डॉक्टर्स के हाथ में क्या होता है कि एक तो हीलर्स लाइन चाहिए और साथ ही उसको कट करने के वाला कोई ना कोई लाइन चाहिए, वो है आपके हाथ में। ऐसे लोग दूसरों की समस्याओं को बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं, इसीलिए सलाह बढ़िया देते हैं। प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे आप, अत्यधिक बड़ा घर होगा और तकरीबन 15 से 20 ज़मीनें और घर होंगे आपके पास। इनर मास आपका ठीक है, हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज आते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन राहु के लाइंस के कट हैं तो थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिएगा। लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा आपको। तीन चार साल अच्छे नहीं जाते हैं जब मून माउंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दुश्मनों की संख्या बढ़िया होंगी आपके जीवन में, जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहेंगे। अपने पसंद के लोगों से ही मिलना पसंद करते हैं आप, अच्छा लगता है। दुश्मन जब वो वेलकम तो सही से करते हैं, बट उसके बाद उनसे बात करने का कोई भी मतलब फॉर्मेलिटी के सिवा कोई कनेक्शन नहीं रखते। और यहाँ पर मूल का होना अति शुभ योग बनाता है, ऐसे लोग अपने जीवन में देखिए मूल है हाथ में, सफलता बड़ी मिलेगी, प्रॉपर्टी आप इतनी बनाएंगे कि कई पुश्तें आपकी बैठ के खा सकती हैं। ऐसे लोगों के पास घर नहीं होता है बल्कि पूरा का पूरा अपार्टमेंट होता है, इस तरह का इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी ये लोग बनाते हैं। तो बहुत शुभ साइन है आपके हाथ में। अब देख लेते हैं कि सफलता कब आपको मिलने वाली है। सत्रह में भी कोई ना कोई इश्यूज़ आया है, 19 में बड़ी समस्या आई है, 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, प्लीज़ उसको आप कंसिडर करते हुए चलिएगा। ट्वेंटी थ्री में जीवन को कोई ना कोई दिशा मिलेगी, अच्छी दिशा मिलेगी, और 25½ में जीवन को एक नई दिशा मिलती हुई दिख रही है, जिस पे आप आगे बढ़ेंगे। ट्वेंटी एट में बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, बड़ी सफलता है। 29 में शादी होगी और शादी लव और अरेंज दोनों होने वाली है, मतलब आपकी पसंद से होगी और आपके घर वालों की पसंद से होगी। एंड देखिए दो जगह पे शादी के आसार हैं आपके, एक तो यहाँ पर भी 25½ में भी शादी होने के पूरे आसार हैं, दोनों जगह पे फैमिली के पसंद से हैं, दो जगह पे शादी के आसार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हो जाती है 25½ में आपकी शादी, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट जाएगा, यहाँ पर आप बड़ी प्रॉपर्टी कोई लेंगे। इफ़ अगर यहाँ पे शादी नहीं होती है तो या तो इश्यूज आएंगे इस एज में,
और इस एज में शादी होगी। सफलता बहुत है आपके हाथ में, अत्यधिक। आपकी माइंड लाइन मंगल से नहीं इनिशिएट हुई है। ये जो लाइन है ये राहु की लाइन है, ये शादी की लाइन है। और मुझे ऐसा लगा क्योंकि पिक पूरी क्लियर नहीं थी आपकी, आपकी जो माइंड लाइन है वो जुपिटर से इनिशिएट हुई है। बहुत अच्छी माइंड लाइन है, माफ़ कीजिएगा मैं नहीं समझ पाई, लेकिन बहुत अच्छी माइंड लाइन है, शानदार माइंड लाइन है। इफ़ अगर ये जुपिटर से इनिशिएट हुई है, अप्रत्याशित सफलता ये दिलाती है आपको। अत्यधिक सफल होते हैं आप, अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही से आकलन कर पाते हैं, इसीलिए जो भी फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं, सफलता अत्यधिक मिलती है, बड़ी मिलती है। मुझे लगा था उस वक्त कि ये मंगल से इनिशिएट हुआ है, लेकिन नहीं, ये जुपिटर से इनिशिएट हुआ है। और इसका पूरा बेनिफिट, ये इसका जो एक्टिवेशन टाइम है 23 है, इसीलिए 23 में आपको जीवन, आपके जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। और जो भी डिसीजन होगा आपका बिल्कुल सही होगा। 25 में शादी होगी या फिर 25 एंड हाफ में शादी होगी या कोई इश्यूज आएगा, बट मुझे शादी के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। और ये 28 एंड हाफ में या तो शादी या इन्वेस्टमेंट जाएगा या इश्यूज आएंगे, कोई ना कोई समस्या। उसके बाद से लगातार ऑफशूट्स हैं, लगातार तरक्की है, तरक्की बहुत ज़्यादा है। आप अपने जीवन में इतने सफल होने वाले हैं जिसकी उम्मीद आपने खुद से भी नहीं की होगी। पैसा अत्यधिक है, सफलता बहुत ज़्यादा है, आपकी सोच से कहीं ज़्यादा सफल आप होंगे। इससे ज़्यादा एनालिसिस मैं क्या करूं, बस इतना ही है। जो भी संघर्ष है वो 23 से पहले है, 23 के बाद जीवन में कभी भी आपको कोई भी संघर्ष या कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। आपके सवालों का जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, 23 में आप मेडिकल में इंट्रेंस, मेडिकल का जो इंट्रेंस टेस्ट होता है वो आप क्वालिफाई कर जाएंगे और वहीं से आपकी दिशा तय हो जाएगी। वैसे भी 23 मैंने बोला है तो 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, तो हो सकता है इस साल भी हो सकता है आप क्वालिफाई कर जाएँ या नेक्स्ट ईयर, बट 100% मुझे नेक्स्ट ईयर का लग रहा है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड बिल्कुल सही दिशा में है, एक अच्छे डॉक्टर बने के जितने भी साइन होते हैं वो सभी आपके हाथ में हैं। ठीक है, एंड बाय।